श्रोताओं सौप्रेम नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर आपके ज्ञानवर्धन हेतु व्यक्ति विशेष से जान पहचान कराया जाता है। आज भी हमेशा की भांति आकाशवाणी के प्रोग्राम मिलना जुलना के तहत हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान राजीव सौमित्रा जी। आपको साथ ही विशेषज्ञ का अनुभव आप तक पहुंचाया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे स्टूडियो में जाने माने एक सफल व गरिमामयी व्यक्तित्व श्रीमान राजीव सौमित्र जी को आमंत्रित किया गया है। सौमित्रा जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। श्रोताओं, आपको बता दूं कि राजीव जी ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाली अग्रणी संस्थान पैरामाउंट कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अर्थात संस्थापक एवं व्यवस्थापक व निदेशक हैं। आप एक सफल इंटरनेशनल माउंटेनियर भी हैं, पर्वतारोही भी हैं। शिखरों पे इनको चढ़ने का बहुत शौक है। आइए आज की बातचीत में सौमित्र जी से कुछ चुनिंदे व प्रेरक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सौमित्रा जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आज का जो माहौल है ये चाइना और भारत का, जहां सैनिक बहुत इम्पोर्टेंस रखने लगी है जवानों के लिए, तो दिव्यांग और सैनिक परिवार पे आश्रित युवा बेरोजगारों के लिए आपके संस्थान में क्या प्रावधान है? जी, मैं सबसे पहले शहीदों के विषय में बात करना चाहूँगा। शहीद आश्रित, आमतौर पे क्या होता है कि हमारे शहीद, चूँकि आपने कहा चाइना भारत और दोनों के बीच हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो शहीद वहाँ लड़ने में भी मरते हैं और कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे कि एवलांच हुआ, उसमें मारे जाते हैं। तो सैनिक तो मर जाते हैं, लेकिन उनके उस समय तो श्रद्धांजलि हम देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि उनके बच्चे बेवा को देखने वाला कोई नहीं होता है। तो हमने सोचा, चूँकि मैं खुद माउंटेनियर हूँ, हमें पता है कि एवलांच में क्या स्थिति होती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक कार्यक्रम चलाएं जिसका कि हमने नाम दिया श्रद्धांजलि, जिसमें कि शहीद आश्रित जो परिवार है या शहीदों के बच्चे को हम फ्री में कोचिंग देते हैं। सिर्फ कोचिंग ही नहीं, अगर वो दिल्ली आए तो उनके रहने की व्यवस्था भी बिल्कुल फ्री हमने कर रखा है। बहुत जी, बहुत खूब। और आपने पूछा दिव्यांग, दिव्यांग जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए हमारे यहाँ 50% तक छूट है फीस में। आज के डेट में कोई किसी को एक रुपए नहीं देना चाहता, मैं सड़कों पे देखता हूँ रेड लाइट पे, लेकिन आपकी इस दयालु प्रवृत्ति के लिए सैल्यूट करता हूँ मैं। जी, अगर नेत्रहीन आए तो उनके लिए बिल्कुल फ्री कोचिंग है। वाह, तो आज कोई नेत्रहीन भी हमारे श्रोता होंगे तो सुन तो जरूर रहे होंगे जी। और मैं उनके तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। जी, थैंक यू। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरी बात आपके सामने मैं ला रहा हूं। चूंकि आप देश के अग्रणी संस्थान के संस्थापक हैं जी, और जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई का माहौल है जी, कि पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है जी, लेकिन रोजगार की कमी है जी, और हर जगह रोजगार की चर्चा परिचर्चा चलती रहती है जी। तो इसमें क्या लगता है, इस समस्या से कैसे निपटा जाए? क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जी, कि क्या हमारे देश के विद्यालय और कॉलेजों जी की शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष है, कुछ विफलता है, क्या वहां सुधार की जरूरत है, या फिर ये यूं ही चलती रहेगी? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, है ना, ये अलग अलग फॉर्मेट है। उल्टे तो मेरा मानना है कि जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं वहां से जो बच्चे आते हैं, वो जो बच्चे आते हैं उनके लिए तो हम एक तरह से कोचिंग संस्थान उनका सहयोग करती है। कम समय में हम एक बेहतर शिक्षक देकर उनको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, ताकि वो कम समय में प्रिपरेशन करके सरकारी नौकरी पा सकें। यहाँ एक बातें गौर करने वाली है कि हमारे देश में तुलना होता है कॉन्वेंट स्कूल से। कॉन्वेंट स्कूल के जो शिक्षण व्यवस्था है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, और शायद है भी, लेकिन मेरा मानना है कि हमने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, यहाँ सरकारी नौकरी के लिए सरकारी विद्यालय से भी
स्टूडेंट्स आते हैं और कॉन्वेंट से भी आते हैं, और दोनों को एक लेवल पे हम जब प्रिपरेशन कराते हैं, अगर आप डेटा देखेंगे तो सरकारी नौकरी वाले ही, ये सरकारी स्कूल वाले सरकारी नौकरी पाने में ज्यादा सफल हो रहे हैं अभी तक का जो डेटा मेरे पास है। तो ये हम एक तरह से गवर्नमेंट को सहयोग करते हैं, गवर्नमेंट को सरकारी स्कूल को सहयोग करते हैं कि यहाँ पे कम समय में बेहतर शिक्षक देकर। तो कहने का मतलब ये पैरामाउंट कोचिंग ये एहसास हमारे देश के 80% गांव वालों को कह रहा है कि बेटा आप जहां हो ठीक हो, है ना, आप कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से कम नहीं हो, किसी कम नहीं, क्योंकि आपकी प्रतिभा कहीं से भी कम नहीं है। आप पॉजिटिव सोच रखें, सही स्ट्रेटजी अपनाएं, सफलता मिलेगी, चाहे आपने सरकारी स्कूल से पढ़ा हो या कॉन्वेंट से पढ़ा हो। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप ये चीज बताएं कि इसका बिल्कुल व्यावहारिक समाधान क्या है, अस्थाई समाधान क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। इसका तो समाधान है ये कि जो बच्चे पास आउट होते हैं गांव देहात से जो पास आउट होते हैं, वो सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखें, अपनी प्रतिभा को पहचानें, और 12th क्लास तक का जो उनका प्रिपरेशन है, जिस तरह से वो प्रिपरेशन करते हैं, वहां तक अगर ठीक ढंग से पढ़ें तो इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्हें रोक नहीं सकता है सफलता दिलाने में। तो श्रोताओं, आप अपनी पढ़ाई जो है कम से कम NCERT से, जो बुक्स अलॉटेड है उनसे पूरा मन लगा के करें, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। सौमित्रा जी का कहना, उनका इशारा इसी ओर है। तो प्रोफेशनल लाइफ में हर किसी का होता है, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी कौन सी सुखद और दुखद परिस्थिति, समय कह लीजिए, आपके लाइफ में आया जिनको आप याद रखना चाहेंगे या भूल जाना चाहेंगे? मेरी सफलता उन सभी को समर्पित है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। अच्छा, आप भी हैं हमारे लिए, आप हमारे सामने गणित गुरु बैठे हुए हैं, गणितानंद। तो जाहिर सी बात है, जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, है ना, मैं उन सभी को मानता हूँ कि उनसे हमें ताकत मिलता है। और आपने एक नेगेटिव बात बोली, है ना, वो भी आपको ताकत देता है। वो एक, अगर आपके संदर्भ में कोई नेगेटिव बातें बोल रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, तो एक तरह से आप इसको एक चैलेंज के रूप में लें, ना कि प्रॉब्लम के रूप में। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसे समाज में हमारा घर है जी, तो जी उसी तरह दिमाग अगर एक घर है जी, तो जिस तरह घर में कचरा आ जाता है, उसी तरह दिमाग में भी कई बार सामाजिक गतिविधि से आ जाती है, तो उनको निकाल के फेंकना होता है। बिल्कुल, उसको हटे, क्योंकि उससे नेगेटिविटी बढ़ेगी और आपकी क्षमता कम तो ऐसी किसी याद को, किसी बातों को आप निकाल के फेंकना चाहते हैं या उसको भी रखना चाहते हैं, कबाड़ से जुगाड़ करना चाहते हैं? हम उसको चैलेंज के रूप में लेते हैं और हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इससे नेगेटिव लोग भी आपको एक चैलेंज देते हैं कि आप इससे भी बेहतर। वाकई आपके जुनून, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंस, आपके जुनून को सलाम जी, थैंक यू। सोशल मीडिया में मैं देखता रहता हूं कि आपको पहाड़ों के शिखर पे पूरे विश्व भर में चढ़ने का बड़ा शौक है, और साथ ही ये सब करने के बावजूद आप सरकारी नौकरी दिलाने में भी महारत हासिल किए हुए हैं। तो इन दोनों को अगर किसी एक को चुनने के लिए एक दिन कह दे ऊपर से परमात्मा आके कि दोनों में मजा किस में आता है, तो आप क्या करेंगे? आपने सही समझा है, दोनों आपका हॉबी है, आई थिंक। हाँ जी, आप तो गणित के अलावा है ना, कैलकुलेशन विथ ए स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ करने में सफल हैं। और मैं समझता हूं कि आपने कहा शिखर, हम जिस तरह से शिखर पे चढ़ते हैं, सफल होते हैं, तो ये जो प्रतियोगिता परीक्षा का भी शिखर है सफलता। अगर आप सफल होते हैं तो उसके शिखर तक पहुंच जाते हैं, और शिखर पर पहुंचने के बाद फिर कोई कंपटीशन होता नहीं, क्योंकि आप सफल हो चुके। ठीक है, तो ये एक हम प्रेरणा देते हैं कि अगर हम इस कठिन काम को करते हैं तो एग्जाम क्वालिफाई करना उसके अपेक्षा आसान माना जाता है। थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपकी सही हो, पॉजिटिव सोच हो, तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हम, चाहे माउंटेन कोई भी हो, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके शिखर पर जरूर पहुंचते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको सुन के विचार आया मेरे मन जी, कि आपने कहा कि जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो उससे ऊंचा कुछ नहीं होता, लेकिन कई लोग ऊंचाई से गिरते हैं, तो
जो आपके थ्रू ऊंचाई पे पहुंचते हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप कि ऊंचाई पे बने कैसे रहे, कुछ प्रेरणा स्रोत बातें कुछ संदेश? दरअसल क्या है कि जब ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो आप सफल होते हैं, सफल होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, एक जज्बा पैदा होता है कि हम देश के लिए कुछ करें। जब एक जज्बा पैदा होता है कि देश के विकास में हम भी सहयोग करें तो यहां पर गिरने का कोई प्रश्न नहीं है। सोच हमेशा पॉजिटिव रखें, तो कहने अपने तक सीमित ना रखें। कहने का मतलब कि सफलता मिलने के बाद अगर अभिमान आया, नेगेटिव सोच हुई तो ही गिरेगा, तभी गिरेगा। अभिमान तो आने से इतिहास हमारा भरा पड़ा है, चाहे रावण हो चाहे आप कंस हो। बहुत खूब, आज हमारे श्रोता वाकई धन्य हो रहे हैं इस चीज को सुन के। तो आप बताएं, देश के बेरोजगारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, देश के बेरोजगारों को हम संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी प्रतिभा को पहचाने, बहुत अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, एक सकारात्मक सोच पॉजिटिविटी के साथ अगर वो जो कुछ करना चाहते हैं, अगर आप देखें इसके लिए सिर्फ सरकारी नौकरी ही साधन नहीं है, बहुत कुछ है जिस क्षेत्र को अगर आप सेलेक्ट करें, विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से ऊपर वाला भी मदद करेगा और लोगों का भी सहयोग मिलेगा और आप सफल होंगे। बहुत बढ़िया जी। तो हर किसी के साथ बचपन जुड़ा होता है जी। तो सौमित्रा जी, मैं एक करीब करीब ये आखिरी क्वेश्चन ही है जी जी जी, कि बचपन से आज तक की सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? कैसे आप याद रखते हैं उन चीजों को, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि इंसान कभी कभी इमोशन में लूजर होता है जी, और कभी कभी इमोशन में गेन भी करता है जी। डिपेंड ये करता है कि इमोशन किन चीजों से है जी। तो आप जी, इस पे कुछ दो शब्द कहें तो। सबसे बड़ी चीज है कि माँ बाप से जो एक नैतिक बल मिलता है वो एक ताकत देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक। और जहां तक आपने कहा कि सफलता का श्रेय, तो मैं समझता हूं क्योंकि मैं भी बचपन में काफी कमजोर था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ये सब कुछ दूर हुआ। मैं एक बार फिर से कहूंगा, सोच अगर पॉजिटिव है तो सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करेगा। निश्चित रूप से जिस काम को भी सेलेक्ट करें आप उसमें सफल हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जिसमें इंटरेस्ट हो सेलेक्ट उसी को करें। बहुत बढ़िया। तो मुझे दो पंक्ति याद आती है जी, आपकी गंभीरता और शालीनता को देख के, जिस तरीके से आप चुपचाप इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं कि मेरा क्या, मैं तो एक सोच हूं इसीलिए खामोश हूं, समझने वाले समझते रहे, मेरे हक की दुआएं देते रहे, जितना होगा अच्छा करूंगा, अपने वचन पर कायम रहूंगा, बात कर्म की जब आएगी दूर भरम सबका होगा, दूर भरम सबका होगा। तो आज हमारे श्रोताओं का भ्रम दूर हो रहा है आपको सुनकर। तो अब मैं, चूंकि कोचिंग संस्थान से बात शुरू हुई थी, तो आप अपने संस्थान के विषय में हमें एक अच्छी सी बात बताइए कि छात्रों को एक अच्छा शिक्षक चाहिए जी। छात्र तो हर कैटेगरी का आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो नर्सिंग होम जो पेशेंट को निकाल दे अपने दरवाजे से कि यहां नहीं भर्ती होगा, उसको अच्छा नहीं माना जाता जी, जी। तो देखा जाए तो कोचिंग का जो आजकल आज के परिप्रेक्ष्य में जो रोल है वो एक रोजगार का नर्सिंग होम ही है देखा जाए तो। तो छात्र सभी एडमिशन लेंगे आपके पास, लेकिन शिक्षक के लिए चयन प्रक्रिया की रणनीति क्या होती है? आज भारतवर्ष में हर तरह का चर्चा होता है, कभी डिग्री को लेके मीडिया में बवाल होता है, कभी योग्यता को लेके, कभी एक्सपीरियंस को लेके, कभी टीचर्स के बिहेवियर और कैरेक्टर को लेके। तो मतलब शिक्षक की जो चयन होती है आपके इंस्टीट्यूट में, संस्थान में, वो किस आधार पे? डिग्री के आधार पे, योग्यता के आधार पे, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से ले आया उसके आधार पे, या आप डायरेक्ट आमने सामने कराते हैं स्टूडेंट से टीचर को और एक दो तीन ट्रायल डेमो के बाद होता है? जी, आपने जितने भी बातें कही इसमें सबसे जो मेरा सबसे बड़ा आधार है वो है कि टीचर में टैलेंट कितना है। डिग्री भी है लेकिन हम टैलेंट को देखते हैं, और टैलेंट उनका जो टैलेंट है उनको परखने के लिए हम उनको सबसे पहले उनसे जिस सब्जेक्ट के वो टीच शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें हम क्वेश्चंस हल करवाते हैं, फिर उनको हम एक डेमो क्लास में बैठा लाते हैं जिसमें कि हमारे उसी सब्जेक्ट के कई एक्सपर्ट होते हैं, जहां उनके नॉलेज,
उनका ओरिएंटेशन एग्जाम के हिसाब से और उनका अप्रोच क्या है, ये हम देखते हैं, फिर उसके बाद सेलेक्ट करना है या नहीं करना है ये हम डिसीजन लेते हैं। तो शिक्षा के चयन की प्रक्रिया हमारे यहां काफी कठिन है। ये कितना मेंटेन हो पाता है, यही चीज जो आपने पूछा, ये हम जो आप चयन करके देते हैं कितने दिन तक ये मेंटेन रहता है? अब क्या है कि जब हम सेलेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्लासेस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, क्लासेस में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोसेस से तो सेलेक्टेड हैं, लेकिन जब वो क्लास पे जाते हैं तो हो सकता है कि शिक्षक को उनकी बातें नॉलेज के बावजूद भी वो अपना प्रेजेंटेशन बेहतर ना दे पाए, टीचर ये स्टूडेंट्स जो हमारे बच्चे हैं उनको समझ में ना आए, तब भी हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, हर किसी का हॉबी होता है, आप अपने हॉबी के लिए सबसे अच्छा एक्टिविटी क्या चुनते हैं? हमारी हॉबी हमेशा रहती है जो चैलेंज वाला काम है, जो सबसे कठिन काम है, हम सबसे पहले उसी पर डिस्कस करते हैं। इसीलिए आपने पहाड़ों पर चढ़ना, बिल्कुल हमारी हॉबी है माउंटेन पे चढ़ना, कठिन जगह। अब तक आपने कितने पहाड़ों पे चढ़ा? हमने माउंट एवरेस्ट, बल्कि आप यूं कहें कि गिनती में बता, गिनती में अगर आप पूछेंगे तो 7 हमारे यहाँ कॉन्टिनेंट है पूरे पृथ्वी पर, हमने 6 के हाईएस्ट पीक पर हम क्लाइम कर चुके हैं, साउथ पोल भी हम जा चुके हैं जहां की -51 डिग्री टेम्परेचर। तो हम परमात्मा से यही करेंगे कि आपको इसी तरह से सफलता मिलते रहे, संतुलित रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानजनक जिंदगी आपको समाज में मिले। और 2 पंक्ति में निचोर निकाल के आपके लिए पेश करना चाहूंगा कि गर दिल में हो जुनून, गर दिल में हो जुनून और दिमाग में हो सुकून, तो सफलता कदम चूमती है, सफलता कदम चूमती है और दुनिया होती है आपकी फैन और आप वंडरमैन होते हैं। थैंक यू, वंडरमैन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसी तरह आश्चर्यचकित सफलता प्राप्त करें और दुनिया को आश्चर्यचकित करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।